हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिबा एंड वेलकम टू द चैनल द ऑटो एक्सपोर्ट। आज हम आए हैं टू द सिल्वर सिटी ऑफ ओडिशा कटक में, और आज आप लोगों को लेके जाने वाले हैं स्काई ऑटोमोबाइल्स पे, जो कि डील करती है मारुति सुजुकी कार से, जहाँ पे हम हर एक वीडियो में हर एक कार की आपको डिटेल पहुँचाने वाले हैं, ताकि आप लोग घर बैठे ये डिसाइड कर सके कि कौन सी गाड़ी लेनी है। और अगर कभी भुवनेश्वर से कटक या फिर कटक से भुवनेश्वर जाना आना हो तो स्काई ऑटोमोबाइल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आज जो कार हम देखने वाले हैं वो 2005 में लॉन्च हुई थी, और ये कार हैचबैक कारों में से सबसे पॉपुलर कार है विद बोल्ड एंड स्पोर्टी लुक। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी कार है। और वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में पूरा डिटेल रिव्यू बताने वाले, तो चलिए देखते हैं। तो ये है मैम न्यू स्विफ्ट, ये है आपका ZXi प्लस AMT मॉडल, जो कि इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग कंपैक्ट कार में नंबर वन रहा है। और ये आपका 1.2 लीटर VVT पेट्रोल BS6 इंजन है। ये है आपका K सीरीज इंजन, न्यू स्विफ्ट में K सीरीज BS6 इंजन आ रहा है। आपका पावर है 61 किलोवाट एट द रेट 6000 RPM एंड टॉर्क है 113 Nm एट द रेट 4000 RPM। ये आपको माइलेज बहुत बढ़िया माइलेज आता है BS6 इंजन में। जो BS6 का इंजन जो नया आया, इसी में आपको क्या होता है कि पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो आपको माइलेज 21.21 पर किलोमीटर आता है माइलेज। तो मैम ठीक है, आप आइए, आपको इंटीरियर के बारे में थोड़ा बता दें। ये चार पावर विंडो का स्विच है, और ड्राइवर साइड ऑटो स्विच आता है, जो कि एंटी पीच ग्लास है, जो ऑटोमेटिकली आप जो भी ऑब्जेक्टिव आता है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। और ये है सेंट्रल डोर और अनलॉक के लिए, और ये है इलेक्ट्रॉनिक मिरर, आप लेफ्ट या राइट आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और ऑटो फोल्डेबल मिरर भी आप यहाँ स्विच ऑन करने से आप मिरर ओपन होता है, और स्विच ऑफ करने से मिरर क्लोज होता है। ये है स्मार्ट की विथ पुश बटन स्टार्ट के साथ आता है, और ये है आपका प्रीमियम इंटीरियर, प्रीमियम डैशबोर्ड है, और ये है स्टील स्टेयरिंग है, आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है सुजुकी का लोगो, क्रोम फिनिश में आता है, और ये है आपका टॉस्किन म्यूजिक सिस्टम का, ये है आपका स्टेयरिंग माउंटेन ऑडियो कंट्रोल, जिसी में आप चैनल चेंज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, मोड भी चेंज कर सकते हैं। और ये है आपका ब्लूटूथ कनेक्शन का स्विच है, आप यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्शन कर सकते हैं, और कॉल काटने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए यहाँ बटन भी है, और यहाँ एक तो एयरबैग भी है, ड्राइवर साइड एयरबैग भी है। ये है कलर MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इसी में आप गाड़ी का फ्यूल एवरेज कितना किलोमीटर का एवरेज कितना स्पीड जाते हैं, वो सब कुछ सारे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा आपको। ये है आपका स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसी में आप मीडिया में जाकर आप ब्लूटूथ SD कार्ड iPod USB ऑक्सिलरी सारी सेट कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। और ये है आपका नेविगेशन पोर्ट, इसी में आप चिप डालने से आपको रूट गाड़ी जहाँ भी जाना है आपको रूट बता सकता है। और ये है फ़ोन कनेक्शन, इसी में आप आईफोन स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, आईफोन से आप एप्पल कार प्ले में यूज कर सकते हैं। और ये है आपका स्मार्टफोन लिंक, जिसमें आप वॉइस कमांडो से आपका म्यूजिक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये है आपका ऑटोमेटिक AC, ऑटो मोड आप ऑन करने से आपको बाहर का टेम्परेचर जो भी है केबिन का टेम्परेचर के हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है, और बहुत बढ़िया कूलिंग भी देता है। ये USB ऑक्सिलरी पोर्ट है, और यह है चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट का चार्जर यूज कर सकते हैं आप। और यह है ट्विन कप होल्डर,
इसी में आप बॉटल रख सकते हैं, ग्लास भी रख सकते हैं। और ये है ऑटोमेटिक गियर सिस्टम, इसी में आप अभी न्यूट्रल मोड में है, जो भी आप यहाँ जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो मीटर में आपको दिखाई देगा। और रिवर्स गियर भी आप ले सकते हैं, रिवर्स में आपको बैक गियर, यहाँ आपको कैमरा भी डिस्प्ले आएगा। और आप मैनुअल मोड में उसको चला सकते हैं, ड्राइव मोड में चला सकते हैं। ये है ग्लोव बॉक्स, ये है डे नाइट मिरर, आप इसको ऑन करने से आपको गाड़ी चलाने से पीछे का जो लाइट आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और ये है टिकट होल्डर, और ये है वैनिटी मिरर, और वॉइस कमांडो के लिए यहाँ माइक है, और ये केबिन का लाइट है। बहुत बढ़िया लेग रूम आपको मिलेगा, जो लॉन्ग ड्राइव में आप जाते हैं ना, आपको थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपको आराम से बैठ सकते हैं आप। और हेडरूम भी बहुत ज़्यादा है, आराम से आप बैठ सकते हैं। और ये है एडजस्टमेंट हेडरेस्ट, आपको जितना चाहिए आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, दोनों हेडरेस्ट आपको एडजस्टमेंट है। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज। इसका स्टीयरिंग व्हील इतना लाइट है और कोई भी लेन अगर अचानक से लेना चाहते हैं तो जल्दी से चेंज हो जाता है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय इट, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर कोई इंक्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और डिफरेंट वेरियंट्स ऑफ स्विफ्ट जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।